गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो हम बात कर रहे हैं वो है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, यानी इंटायर सिलेबस में जो तुम्हारा ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 2 का सिलेबस है उसमें सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में ही बात करना है। तो आज हम यूनिट 2 में जा रहे हैं। यूनिट 2 में सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होता है? द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इट इज़ द प्रोसेस टू आइडेंटिफाई करेक्टनेस, कम्प्लीटनेस एंड क्वालिटी टू डेवलप अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, यानी कि प्रोसेस है जो कि करेक्टनेस, कम्प्लीटनेस और क्वालिटी को बताता है सॉफ्टवेयर का। उसी को हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, ठीक है। द इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम एप्लीकेशन अंडर पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंडीशंस बाय मैनुअल ऑटोमेशन ऑटोमेटेड मींस, ठीक है। यानी कि हम लोग को क्या करेंगे, स्पेसिफिकेशन, फंक्शनैलिटी और परफॉर्मेंस, ये तीनों को वेरीफाई करेंगे। दैट इज़ द पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। ऑब्जेक्टिव्स क्या है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का? टू अनकवर एरर्स, जो भी बग्स है या फिर एरर्स है उसको रिमूव करने के लिए। डेमोन्स्ट्रेट अ गिवन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मैचिंग द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जो भी रिक्वायरमेंट है यूज़र का उसको मैच कर रहा है कि नहीं, उसके लिए हम लोग चेक करते हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज नेसेसरी। फिर वैलिडेट द क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, यानी कि वैलिडेट कर रहे हैं क्वालिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर को, ठीक है। फिर जनरेट हाई क्वालिटी टेस्ट केसेस जनरेट करके हम लोग एरर को रिमूव करने का कोशिश करते हैं। एरर, बग, फॉल्ट एंड फेलियर का डेफिनेशन यहाँ दिया हुआ है। एरर क्या है? इट इज़ अ ह्यूमन एक्शन प्रोड्यूसेस द इनकरेक्ट रिजल्ट दैट प्रोड्यूसेस फॉल्ट, ठीक है। ह्यूमन एक्शन कहने का मतलब है जो कि आदमी जो प्रोग्राम कर रहा है, पर्सन जो प्रोग्राम कर रहा है, उसके प्रोग्राम के चलते जो रिजल्ट में जो दिक्कत आ रहा है उसको बोलते हैं एरर। बग क्या है? द प्रेजेंस ऑफ एरर एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। एरर। फॉल्ट क्या है? द सॉफ्टवेयर कॉस्ड बाई एन एरर, यानी कि फॉल्ट जो उस एरर के चलते जो फॉल्ट हो रहा है। और फेलियर क्या है? यानी कि पूरा सॉफ्टवेयर जो है पूरा डिविएट कर रहा है क्लाइंट का रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो हम लोग बोलते हैं दैट इज़ अ फेलियर ऑफ अ सॉफ्टवेयर। SDLC पता ही है तुमको क्या होता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल पता ही है तुम लोग को क्या होता है। टेस्टिंग लाइफ साइकिल, ये देखो टेस्टिंग लाइफ साइकिल में क्या है, प्रोजेक्ट इनिशिएशन, सिस्टम स्टडी, टेस्ट प्लान, डिज़ाइन टेस्ट केसेस, एग्जीक्यूट टेस्ट केसेस, रिपोर्ट डिफेक्ट्स, रिग्रेशन टेस्ट एनालिसिस और समरी रिपोर्ट, ठीक है। ये है टेस्टिंग लाइफ साइकिल का। टेस्ट प्लान क्या होता है? अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू टेस्ट अ सिस्टम दैट इज सॉफ्टवेयर। अ प्लान टिपिकली कंटेन्स द डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इवेंचुअल टेस्टिंग वर्क फ्लो विल बी। तो टेस्ट प्लान का सिंपली तुम लोग आंसर कर सकते हो, तीन क्वेश्चन को आंसर करते हैं हम लोग टेस्ट प्लान में। व्हाट टू टेस्ट, यानी क्या टेस्ट करना है। हु टू टेस्ट, यानी कि कौन टेस्ट करेगा। और व्हेन टू टेस्ट, यानी कि किस डेट को टेस्ट करना है, ठीक है। यही तीन डॉक्यूमेंट टेस्ट प्लान में होता है, तीन क्वेश्चन टेस्ट प्लान में होता है। टेस्ट केस क्या होता है? जो टेस्ट डेटा को क्रिएट करके जो हम लोग एग्जीक्यूट करके टेस्ट केसेस टेस्ट जो करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं टेस्ट केसेस, ठीक है। वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन तो हम लोग डिस्कस किए ही थे। ब्लैक बॉक्स और वाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है वो देख लो। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में क्या बोलता है? ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग यानी कि हमको जो है कि उसकी इंटरनल फंक्शनैलिटी यानी सोर्स कोड से हमको कोई मतलब नहीं है। जो एक फंक्शन हमारा काम करके देना, जैसे ब्लैक बॉक्स कि हमको वायरिंग कैसे किया हुआ है हमारे घर में, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। स्विच दबाए, स्विच को ऑन किए तो हमारा पंखा चलना चाहिए, बस वैसी को हम लोग बोलते हैं ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स कहने का मतलब है वायरिंग कैसे किया हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। तो वैसे ही सॉफ्टवेयर के टर्म्स में हमारा प्रोग्राम कैसे लिखा हुआ है, कोड कैसे लिखा हुआ है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम जब उसमें इनपुट डेटा दिए तो डिजायर्ड रिजल्ट हमको प्रोड्यूस करना चाहिए, उसी को हम लोग बोलते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। और व्हाइट बॉक्स कहने का मतलब क्या है कि सोर्स कोड को भी देख करके हम लोग चेक कर रहे हैं कि ये करेक्टली काम कर रहा है कि नहीं, उसी को बोलते हैं व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ठीक है। देखो ब्लैक बॉक्स, इनपुट दिए, कोड कैसे लिखा हुआ है हमारा, कोड कैसे लिखा हुआ है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको आउटपुट चाहिए, रिक्वायरमेंट को देखते हैं और इवेंट को देखते हुए हम लोग काम करते हैं, ठीक है। व्हाइट बॉक्स में क्या कर रहे हैं हम लोग, सोर्स कोड को भी देखते हैं, टेस्ट डेटा लेते हैं, टेस्ट कॉम्पोनेंट कोड यानी कि सोर्स कोड को भी देख रहे हैं और उसके बाद टेस्ट करते हैं आउटपुट जो डिजायर्ड दे रहा है कि नहीं, ठीक है। ये सब यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, ये सब सारा कवर करेंगे जैसे जैसे आगे जाएंगे, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब हम देखेंगे, ठीक है।
सारा हम लोग देखेंगे ये सारा टेस्ट केसेस। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होता है उसका डेफिनेशन के लिए हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, ठीक है। और थैंक यू।